देखेंगे अभी हम ट्रैक रेस करेंगे बीच में हुआ तो। ये देख लो भाई, 150 में कितना, 110 में। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो और एक वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो ये आज इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं होने वाली है, बट मज़ा आने वाला आपके ये वीडियो में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अमरावती साइड, ड्यूक 390 जेन 3 वर्सेज NS 200। इट्स अ BS4 NS एंड लेट्स सी, अब आएगा ना मज़ा। गो, हियर इज अ आशीष की 200। बाइक अभी टोटल स्टॉक है, बट वेल मेंटेन है बाइक की, बाइक देखने से ही पता चल रहा है। चलो यहाँ पर नहीं, हमको आगे पेट्रोल भराना है। मैं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें एग्जॉस्ट लगाए करके वैसा ही फील हो रहा है भाई, एग्जॉस्ट नहीं लगाए बट अपने बाइक में। ऐसा लग रहा है एग्जॉस्ट लग गया इसमें, है ना। भाई एग्जॉस्ट का भी लगा। अरे बाप रे बाप, फुल एग्जॉस्ट का फील भाई। तो भाई अभी तो हम सिटी के अंदर ही चल रहे हैं, तो सामने अच्छा सा रोड आएगा खुला वाला, तो उधर ड्रैग रेस होने वाली अपने NS के साथ, सॉरी अपने ड्यूक के साथ, ड्यूक जेन 3 के साथ। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा ही, और बाद में मैं चेंज भी कर लूँगा, मतलब बाद में मैं NS चलाऊँगा और अपना भाई अपनी बाइक चलाएगा, देन पता चलेगा कि पोटेंशियल कैसा है, क्योंकि राइडर टू राइडर भी वेरी होते हैं चीज़, दैट्स व्हाई मज़ा आएगा। और सॉरी फॉर दैट, मेरा दोस्त ने आज हेलमेट नहीं पहना, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो आज आपको ये राइडिंग जैकेट जो दिख रही है, जो मैंने परचेस किया है, तो उसका भी रिव्यू जल्द आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे भाई। आने वाले वीडियोज़ में आपको इसका रिव्यू दिख जाएगा इस जैकेट का। तो वो ओवरऑल जैकेट तो बढ़िया है एकदम ज़्यादा। एक शिफ्टर ऑन है इसका। तो भाई अभी ना बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, बट मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, बट ये अपना आशीष भाई चल रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा अपना रिएक्शन दिख रहा है। तो अगर इन पे पास सेकेंडरी कैमरा रहता तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि रिएक्शन बहुत तगड़े आ रहे हैं। फ्यूलिंग कराना है इसे, तेरा सही है भाई, कम पेट्रोल में चले जाती है। वही देख फायदा हो रहा है, तो क्या फायदा हो रहा है। NS वो कितनी भारी माइलेज, ये देख ले भाई, ये देख ले। ये देख लो भाई, 150 में कितना, 110 में। ये भी ज़्यादा नहीं है भाई, क्या बोलते हैं बैटरी, तो देखते हैं जब शट डाउन होगा तो चेंज कर लेंगे। भाई ये पागल है भाई, दिस मशीन इज मैड, टोटली मैड। पागल भागती है भाई। भाई साहब क्रेजी, इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है ब्रो, मतलब क्या ये पुल करती है, मतलब कुछ वॉबल नहीं है 140 पे 150 पे, कुछ भी वॉबल नहीं है भाई, जैसा आप दिख रहा है ना आपको, आपको वॉबल दिख रहा है तो बताओ, एकदम स्मूथली चली जा रही है, चली जा रही है।
देखो क्रेजी भाई, एनएस ने कैचअप कर लिया भाई। आपने देखा ही मैं क्या पुल किया, और भाई मुझे लगा पीछे रह जाऊंगा, बट नहीं भाई, दिस इज एनएस BS4। ओहो क्रेजी भाई, एनएस तो एनएस भाई। वर्ड्स नहीं है भाई, क्या ओवरटेक मारती है ये। ओ भाई पागल है भाई, ये पागल है। तो देखो अभी हम बाइक स्विच कर रहे हैं, अभी मैं चलाने वाला हूँ NS, देखो तो BS4 चलाने वाले हैं, और 390 को आशीष भाई को देंगे, देखेंगे अभी थोड़ा सा खींच के। ये वाला रोड थोड़ा अच्छा है, जहाँ तक अच्छा रहेगा वहाँ तक देखेंगे, फिर आएगा मज़ा। BS4 कुछ ऐसी दिखती है रेड वाली। तो ये है NS BS4 एंड दिस इज 24 ड्यूक 390 Gen 3। तो लेट्स गो। हेलो, मैं तो पीछे रह जाऊँगा तो। अबे नहीं, तू ऐसा करेगा तेरे को बोली हो। हाँ हाँ, फिर सामने मुश्किल है। निकल निकल, भाई थोड़ा सा इसका पिकअप मेरे को अब कम लग रहा है, बट देखते हैं। ये थोड़ा बहुत स्लो जा रही है, मेरे को ब्रेक देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बस ब्रेकिंग ठीक है, अभी 80 पे आ चुका हूँ मैं भाई। मुझे पावर नहीं लग रही भाई, ड्यूक 390 चलाने के बाद पावरलेस लग रही है सब भाई। भाई भाई वो जानबूझ के मेरे को सामने जान दे रहा है भाई, इज्जत ही नहीं है। चलो इसको ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक तो कर दे रही है NS। भाई ये क्या कर रहा था भाई, इधर गड्ढे बहुत सारे हैं भाई। इज्जत कर ले भाई थोड़ी सी भाई। ओहो भाई क्या दिखती है भाई अपनी बाइक, तो भाई भारी दिख रही है इसमें भाई। देखते हैं ये ओवरटेक करती है कि नहीं। ओवरटेक तो कर ले रही है, बट मुझे पावर फील नहीं हो रही है भाई। ड्यूक 390 का साइड इफेक्ट होता है भाई ये, देख लो। जब आप ड्यूक 390 ऑन करते हो तो उससे नीचे वाले सीसी वाले बाइक में आ जाते हो ना, तो ऐसा ही लगता है, कुछ पावर फील नहीं हो रहा है मेरे को। मैं 90 पे चल रहा हूँ, 93 चल रहा हूँ, तो भी मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं 190 चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पावर ही फील नहीं हो रहा है, पूरा थ्रॉटल दे के रखा हूँ। दैट वॉज डिफरेंट एक्सपीरियंस ब्रो। बहुत दिनों से मैंने NS 200 नहीं चलाई थी, बट ड्यूक 390 कुछ अलग ही चीज़ है भाई। देखो ऐसा मैं पूरा दे रहा हूँ ना, तो ड्यूक इतने में किधर की किधर ही भाग जाती है, तो ये प्लस पॉइंट है ड्यूक 390 का। दिस वॉज अ रॉकेट, मिनी रॉकेट जो हम उसे बोल सकते हैं। अगर मुझे NS 400 चलाने मिला तो डेफिनेटली देखेंगे, बट अपने दोस्त के पास, किसके पास है नहीं अभी। तो ये बाइक भी अपनी सेगमेंट में बहुत बढ़िया है, NS 200। दिस इज़ नो कॉम्पिटिशन फॉर दिस मशीन ऑन 200 सेगमेंट। मेरे को थोड़ा ना इसमें सोचना पड़ रहा है ओवरटेक करने के लिए, और जो अपनी ड्यूक Gen 390 है ना, उस पर सोचना नहीं पड़ता है भाई, सिर्फ गैप देखो और थ्रॉटल दो और ओवरटेक मार दो। तो ये एक चीज़ है ड्यूक 390 की बढ़िया लगती है मेरे को भाई। फ्यूल अगर आप ड्यूक 390 का फ्यूल छोड़ दोगे ना, तो दिस मशीन वॉज परफेक्ट। वो और भाई मस्त दिख रही गाड़ी। गाड़ी मस्त दिख रही बोला एकदम।
थोड़ा सा ऐसा बता व्यूवर्स को, ऐसा करके बता, देखो नहीं ऐसा थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर, तो अभी ये करने वाला है तो देखो कैसी पावर है ऐसा, ये देखो नहीं ये देखो भाई, ये कैश नहीं कर पाएगी उसे, बट ये कंपैरिजन नहीं है इन दोनों के बीच में, बट ऐसे ही मैं शूट कर ले रहा हूँ अभी बाइक है तो अलग थ्रॉटल है उसका एकदम ऐसे कर देखो भाग गया चौथे गियर पे ही वो भाई भाई नो कंपटीशन भाई नेकेड बाइक में, इसमें ऐसा गियर डाउन कर रहा हूँ और डायरेक्ट थ्रॉटल दे रहा हूँ, तो NS200 का पावर बैंड ऐसा है कि वो धीरे 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 अपना पावर बढ़ाता है, देन वो मिडल में ना एकदम स्ट्रांग हो जाता है पावर, मतलब वैसा लीनियर पावर आती है धीरे, फिर बढ़ती है फिर बढ़ती है फिर बढ़ती है फिर बढ़ती है, ऐसा पावर है। और ड्यूक 390 का भाई जैसी थ्रॉटल दोगे वैसी भागती है, वैसी ही भागेगी, मतलब जस्ट आपको थ्रॉटल देना है फिर वो कौन से भी गियर पे रहो, आप हाई स्पीड पे रहो कम स्पीड पे रहो, और वो शूट हो जाती है भाई गोली की जैसे भाई मैं चाकर भी कितना भी कर लूँ ना तो मैं उसे कैच नहीं कर पाऊँगा, इसमें तो गियर इंडिकेटर है नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट वो पागल है भाई। और आज जो उसको पहुँच के रखा था तो चमक रही है बाइक एकदम तगड़ी सी, मज़ा सा आ गया भाई आज चला के। ये देखो क्या दिख रही है, अभी अंडर वेली लगा है तो अपनी बाइक देखो क्या दिख रही है, और पीछे साइड से कुछ ऐसी दिखती है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो आपको पता है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, थर्ड पर्सन व्यू नहीं दिखा सकता हूँ, तो अभी मैं दिखा पा रहा हूँ आपको थर्ड पर्सन व्यू लोग क्या देख रहे हैं, इनको देखो बाइक वाले को सीरियसली अलग उड़ती, वो अलग उड़ती रॉकेट के जैसी उड़ती भाई वो, अरे बहुत उड़ती है अरे भाई ऐसा ऐसा हो जाता है ऐसा देख रहे हो भाई, असली रिव्यू दे रहे हैं हम आपको ड्यूक 390 का थर्ड पर्सन पे। आपका वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बताना। देखो मैं गियर डाउन कर रहा हूँ और गियर डाउन किया तो भी थ्रॉटल नहीं ले रही है, तो देख रहे हो NS मतलब ठीक है अपने जगह पे भी, क्या एक्सपेक्ट करूँगे आप 200 cc से, बट दिस वॉज अ ग्रेट बाइक प्रो। अगर आपका बजट NS 200 का है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, अगर आप NS 400 ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो KTM का इंजन आता है, हमको मिलता है चलाने के लिए तो हम उसका भी रिव्यू बना देंगे। आशीष और मैं अगर एक जगह पर रहता था ना तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने मिलते थे कि बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो, बट मैं अकेला हूँ तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, मतलब मैं अकेले में कितना ही शूट कर लूँगा, बट ठीक है जैसे भी चल रहा है चलने दो भाई। वो कभी भी चाहे ना थ्रॉटल दे के मुझे कभी भी पीछे कर सकता है, बट वो अभी मेरे पीछे चल रहा है, इज्जत ही नहीं है भाई। 92, 95, अरे यार ये लोग बीच में आ जाते हैं ना तो सोचना पड़ जाता है। 95, 97, 99, 104 देखो और ट्रैफिक आ गया तो हम ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है भाई, क्योंकि आपको भी पता है, बट इस बाइक को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो भी आप गाड़ी की कंडीशन देखो वेल मेंटेन रखी है अपने भाई ने। NS 200 है क्या, 160 है, जो NS 200 का जो ब्लैक कलर है वो भी बहुत डासू है, बट दिस वन इज चेरी रेड, ये इसका कलर अलग ही है भाई, ये अनदर लेवल दिखता है, शायद ये वलगा हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे, देखो वो इजीली निकल जाती है, ये तो भाई मेरे को कुदा रही है एकदम। तो देखो यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है, तो अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर की ओर, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, ये आशीष राइडर अभी निकल रहे हैं मैं यहाँ से, मिलते हैं बाद, मतलब अब नेक्स्ट टाइम ही मिलेंगे हम, अब इसी वाले वीडियो को हैप्पी एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट। Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a superbike?